हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवृद्ध यतिमन। EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से वैकेंसी आई है सलाहकार की, यंग कंसल्टेंट की। नया विज्ञापन जारी हुआ है, एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में चेक करेंगे। नोटिफिकेशन जो है मेन वेबसाइट पर डाला जा चुका है। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है और कब जो है लास्ट डेट है, चलिए देख लेते हैं मेन वेबसाइट पर। यहाँ पर जैसे ही मेन वेबसाइट पर आप लोग आते हैं, EMRS की राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, तो यहाँ पर नीचे अदर रिक्रूटमेंट में आप लोगों को नजर आ जाएगा एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर यंग कंसल्टेंट अंडर NEST। तो अभी जो है TGT, हॉस्टल वार्डन, PGT और नॉन टीचिंग स्टाफ जो हैं, इनके आवेदन जो हैं भरे गए हैं और आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ही जो है एक और नया जो है एडवर्टीजमेंट जारी हो गया है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एज क्या रहेगी, सैलरी क्या मिलेगी और आप लोगों को क्या काम करना होगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर जो काम करना होगा आप लोगों को, जैसे कि नियमित जो कार्य स्कूलों में कैसे हो रहा है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो खोले गए हैं आदिवासी छात्रों के लिए, तो उसमें जो है प्रगति रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी होगी। इसके अलावा जो है जो डाटा कलेक्शन है वो करना होगा, कैसे जो है और ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर काम हो सकता है, तो इस संबंध में जो है आप लोगों को सलाह देनी होगी, ठीक है। जो डेटा का अपडेशन है, नियमित तरीके से जो है काम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी होंगी। यानी सलाहकार का जो पद है यंग कंसल्टेंट, तो इसी से संबंधित जो है आप लोगों को काम करना होगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर डिग्री यानी स्नातक आपने किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से आपने किया है, तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म जो है ऊपर ही दिया है, इसी के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म, इसे डाउनलोड करके आप लोगों को बाय पोस्ट भेजना है, और जिसका एड्रेस मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ। वर्क एक्सपीरियंस भी जो है यहाँ पर मांगा गया है, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस, यानी आपने किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, आपने किसी स्कूल में पढ़ाया है, आपने किसी कॉलेज में पढ़ाया है, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, 5 साल का आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। एज एलिजिबिलिटी यहाँ पर 35 साल रखी गई है। सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है 40,000। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोगों को डाउनलोड करके फिल करके अपने डॉक्यूमेंट के साथ में यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, द ऑफिस ऑफ जॉइंट कमिश्नर एडमिन नेस्ट, गेट नंबर 3A, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली 11001। तो ये जो है आप लोगों का एड्रेस रहेगा और इस एड्रेस पर जो है आप लोगों को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। लास्ट डेट जो है वो 10 अक्टूबर 2023 रहने वाली है, ठीक है। तो आप लोग समय से पहले भेज सकते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएशन ही मांगी गई है, 40,000 यहाँ पर सैलरी मिलेगी। उसके बाद जो दोबारा से यहाँ पर देख सकते हैं पोजीशन, यानी कि पद का नाम जो है सलाहकार है, और ये जो है एक सिविल पद है, 35 साल इसमें एज है, एक पोस्ट है, बाकी चीजें भी जो है वो भी आप देख लें। एडवर्टीजमेंट जो जारी की गई है तो 22 सितंबर को ये जारी की गई है। आपको पता है कि 50% से अधिक जो SC आबादी वाले जो ब्लॉक हैं उनमें कम से कम जो है 20,000 आदिवासी व्यक्तियों के पास एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है, यानी आवासीय स्कूल जो है ये होगा, और इसको जो है और अच्छे तरीके से चलाने के लिए ही जो है यहाँ पर सलाहकार की जो है नियुक्ति की जा रही है, और ये जो है एक स्वायत्त सोसाइटी है। और बाकी जानकारी के लिए इसकी जो मेन वेबसाइट है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दी है, ये इसकी जो मेन वेबसाइट है इसमें सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीज जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो है एक अनुभवी जो है व्यक्ति शामिल हो, तो ये जो है इनका उद्देश्य है, और ये जो पोस्ट है अनुबंध के आधार पर है।
ठीक है, तो नियमित पोस्ट नहीं है और कोई भी जो पदधारी होगा तो वो जो है नियमित होने के लिए कोई दावा भी नहीं कर सकता है। तो अभी नए स्कूल खोले गए हैं तो नई नई चीजें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। हो सकता है कि अभी जो है 1 ईयर के लिए जो है इनको यहाँ पर पोस्टिंग जो है वो मिले और उसके बाद जो है आगे जो है क्या कार्रवाई होती है ये हमें जो है आगे पता चलेगा। बाकी जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन है वो मैंने आप लोगों को बताई, मेन वेबसाइट पर जाकर सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे, कोई भी जो है गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल पर नहीं दी जाती है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं और आप जॉब करना चाहते हैं यहाँ पर यंग कंसल्टेंट की पोस्ट पर, तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।